मुख्यमंत्री साहब और हमारे आईटी मिनिस्टर श्रीधर बाबू साहब यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट करें। एक इनोवेटिव प्रोग्राम है और किस तरीके से तेलंगाना को आगे ले जाना है। मुख्यमंत्री साहब कांग्रेस गवर्नमेंट का वन पॉइंट प्रोग्राम है एजुकेशन और हेल्थ, और सेम गो एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए और आगे नौकरी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नौकरियां दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात करना नॉलेज नहीं है, बात करना खाली है कम्युनिकेशन, मगर स्किल आपके पास है, काबिलियत आपके पास है तो जब आपको नौकरी नहीं मिलती। देखिए, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आज पुरानी गवर्नमेंट 1,00,000 रुपए दी, आज हमारी गवर्नमेंट 2,00,000 रुपए देती, हमारी गवर्नमेंट इंदिरा हाउस दे रही, कोई दूसरी गवर्नमेंट आई तो डबल बेडरूम देती, ये तो मामला चलते रहता। मगर अगर से हिंदुस्तान और तेलंगाना हैदराबाद डेवलप होना है, सबसे अहमियत की चीज है कि आपको स्किलफुल करना, आप में हुनर आना। अगर से आप में हुनर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपको नौकरी मिलेंगी, आप काम भी जाएंगे तो जो भी आप फर्म को काम करेंगे, जो भी आप कंपनी को काम करेंगे, कौन से भी आप इदारे को काम करेंगे तो वो इदारे को आपसे फायदा होगा। और जहां पे 5 नौकरियां है 50 होंगे, 50 जहां पे है 500 होंगे, जहां पे 500 है 5,00,000 होंगे। ये सोच रखते हुए हमारा विजनरी लेजेंडरी मुख्यमंत्री एक नया प्रोग्राम इनोवेटिव हटके है। ये कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा जो हमारा चीफ मिनिस्टर कर रहा। तो ऐसा प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए आज JNTU पे आए हैं और ये बेहतरीन प्रोग्राम है। जैसा मैं आपके नॉलेज के लिए, इत्तला के लिए बता दूं, जब हमारे मुख्यमंत्री साहब अमेरिका गए, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट से मिले, तो वो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री साहब को पूछ रहा, अमीरपेट की गली कैसी है, सनत नगर की गली कैसी है। मुख्यमंत्री साहब परेशान हो गए, अरे साहब आप वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट है, आप अमीरपेट और सनत नगर के बारे में पूछे। तो मुस्कुराते हुए बोला, मैं हैदराबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ा था, आज से 25-30 साल पहले हैदराबाद पब्लिक स्कूल में पढ़े थे। वो जमाने में हैदराबाद पब्लिक स्कूल फॉर्मेशन करना बोलते, हमारे बड़े लोगों की वैसी सोच थी, मजबूत सोच, और आज वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट उन्हें बना। ऐसी आज JNTU के अंदर जो नया इनोवेटिव प्रोग्राम हम ला रहे हैं, ऐसे में हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान का नाम रोशन कर देंगे। आप सिलिकॉन वैली जाइए, वहां पे आप जब जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप हैदराबाद के गलियों में फिर रहे, लोग तेलुगु में बात कर लेते हैं फिरते, तो परेशान होंगे, अरे सिलिकॉन वैली और वहां पे तेलुगु चल रहा, क्योंकि तेलुगु जो है, तेलंगाना जो है, बहुत उनका माइंड शार्प है, खाली उनको रास्ता दिखाने की जरूरत है, फिर दौड़ के चले जाते। तो ये मुख्यमंत्री को ये बात मालूम, और मुख्यमंत्री बहुत हमारे मंजे में मुख्यमंत्री है, बहुत शार्प मुख्यमंत्री है, तो एक नया इनोवेटिव प्रोग्राम स्टार्ट करें जिसका जॉब मेले आप कर रहे हैं। अरे जॉब मेले तो है, और जॉब मेले में जो आते उनके पास उतनी सलाहियत है क्या, और वैसे इदारे है क्या, तो दोनों होना कोलैबोरेशन में, स्किल भी होना, इदारे भी होना। तो ऐसा कुछ नया इनोवेटिव हटके काम करने के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री आए। खुसूसी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूशन में वजीर आला दो बार में मिनिस्टरों को भी जा सकते थे, खुसूसी उन्होंने सुनी है बात, कुछ चीज आप लोग खुल के बोलो बोलते और मैं खोल के बोल देता हूँ। जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, एजुकेशन मिनिस्टर भी मिनिस्टर उन्हें भी उन्हें थे, तो कुछ एजुकेशन मिनिस्टर किसी और के पास रहता तो वो आते थे, शायद चीफ मिनिस्टर भी आते थे, और एजुकेशन मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है बोल के कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसके लिए चीफ मिनिस्टर को आना पड़ा। और इंशाल्लाह अक्सर बुलाते रहेंगे, नेक्स्ट बाजार घाट का कॉलेज तैयार हो रहा तो हम उनको इन्वाइट कर दिए कि आप बाजार घाट कॉलेज को आइए। हमारी जो अपोजिट पार्टी है, जो हमारा MLA है, उन्हें भी इन्वाइट करा, हम भी इन्वाइट करें। बहरहाल यहाँ पे लोगों की तरक्की अब देखा जाएगा, चुनाव के टाइम के ऊपर सियासत करेंगे। अब सिर्फ एक ही नारा है कांग्रेस रेवंत रेड्डी फिरोज खान का, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया आप सेकुलरिज्म को आप मानते हैं पूरे, मगर आज जो माहौल चल रहा है तिरुपति के लड्डू के ऊपर, उसके ऊपर आपका क्या? देखिए सुनिए बात,
तिरुपति का लड्डू बहुत सेंसिटिव इशू है, लाखों करोड़ लोगों का सेंटीमेंट का इशू है, तो शायद अपन इसके बारे में नहीं बात करें तो सही रहता, राइट। जांच एजेंसी डाले चंद्रबाबू नायडू एंड सिट को वहाँ पे डाले हैं, और क्या तिरुपति के लड्डू के अंदर है नहीं है वो अपने को नहीं मालूम बॉस, क्योंकि सिंपल लॉजिक, तिरुपति का लड्डू पकड़े नहीं, तिरुपति का लड्डू खाए नहीं, तो तिरुपति के लड्डू के बारे में बात करना सही नहीं। जय।